शंकर महादेवन एहसान लॉय ऑन द स्टेज, एक रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है और ये ताजमहल पैलेस। पर ये अपना जो शिफ्ट किया था कॉरेलिया वो लगभग लगभग यही टाइम था जब जा रहा था और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था वो। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, उसमें पूरा पूरा आपको टूर मिलेगा कॉरेलिया का। 2008 में एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जो कुछ बदतमीज कुछ ना माकूल लोगों ने हमारे ताजमहल पैलेस में बहुत वाहियात हरकत की, जिसको कभी भी ये भारत देश के लोग ना और कोई इंसानियत इसे माफ़ करेगी। लेकिन आज फिर से सब कुछ बोल कर फिर से खड़ा है ताजमहल टावर। ये है ताजमहल पैलेस, उसके बगल में ताजमहल टावर। चंदानी है ना, चंदानी शायद है, हीरा चंदानी है वो बिल्डिंग। इसके जस्ट बगल में ही एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। SBI का हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। ये बच्चों के लिए कुछ एंजॉय करने के लिए झूले और राइड्स वगैरह हैं यहाँ पर, बच्चे उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। ये है ओबेरॉय होटल, ओबेरॉय, और उसके सामने अब हम पहुँचे हैं नरीमन पॉइंट, और नरीमन पॉइंट पे आकर ये जो सामने है ये है ओबेरॉय, द ओबेरॉय, और इसके बगल में ट्राइडेंट। वहाँ पे भागते भागते यहाँ पे आए थे। ये है ट्राइडेंट जिसमें मुंबई अटैक्स हुआ था, यहाँ पर भी बहुत परवरता फैलाई थी उन आराम खोर लोगों ने। पार्डन माई लैंग्वेज, बट इनके लिए वो उनके लिए ये शब्द बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मैं कुछ नहीं कह रहा। और ये है एयर इंडिया की बिल्डिंग, एयर इंडिया के अंदर। ये पॉइंट है तुकाराम, तुकाराम उम्बले यहाँ पर, और ये वो स्पॉट है जहाँ पे तुकाराम उम्बले शहीद हुए थे। मरीन ड्राइव, ये पार्क पूरा भरा हुआ है, सब लोग बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं ओपन रूफ बस में एंजॉय। मुंबई में भी अब लंदन की तर्ज में हिप ऑन हिप ऑफ बस जो है वो चलने लगे, वो सर्विसेज यहाँ चालू हो गई हैं, तो हिप ऑन हिप ऑफ का भी आप मज़ा ले सकते हैं। मैं हूँ बेस्ट में, ये है बेस्ट की सर्विस। Thank you.
और पतंगबाजी भी। पतंगबाजी के चलते चलवे पूरे यहाँ पे आसमानों पर वो कटी पतंग। ये जा रही है कटके। ये गिरगांव चौपाटी। ये डच बैंक का हेड ऑफिस इंडिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सीएसटी का नजारा रात का। हाउ लुकिंग, हाउ लुकिंग यार। एंड दैट इज बीएमसी। और एक घंटे के सफ़र के बाद ये सफ़रनामा यहाँ ख़त्म होने जा रहा है। और ये जहाँ से शुरू हुआ था सफ़रनामा वहीं पे इसका एंड हुआ है। इसके बाद हम लोग अब इस बस को करेंगे डीबोर्ड और बताता हूँ आपको इसकी आइटनरी। पर डे हर घंटे बस यहाँ पे रीगल पैलेस से चलती है और एक घंटे बाद यहाँ ये आपको आगे छोड़ देती है। 150 रुपीज़ इसका रेंट है, किराया है एक आदमी का पर पर्सन 150 रुपीज़। 3 साल तक के बच्चों का कोई भी इसमें रेंट नहीं है, कोई भी किराया नहीं है। 3 साल से ऊपर आपको किराया पड़ेगा, सीट मिलेगी। अगर आप खड़े भी रहते हैं तो भी आपको 150 रुपीज़ पे करना, तो अच्छा है कि आप 150 पे करके सीट भी लें। अब मैं बस से हो गया हूँ डीबोर्ड और डीबोर्ड होने के बाद में अब मैं चल रहा हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। अब चल के थोड़ा वर्चुअली देखेंगे, कोई शो भी हो रहा है वहाँ पे, शंकर महादेवन ऐसा ऑन लोएगा। ट्राई किया था, टिकट नहीं मिला, अलग बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तो चलना है ही है ज़रूर। ये है जगुआर, देखो जगवार की भी औकात क्या है, यहाँ पे टैक्सी में चल रही है, पी नंबर प्लेट है। और ऐसे ही यहाँ पे ये सफारी वगैरह ये भी टैक्सी में चल रही है, नंबर प्लेट देखिए दिल्ली है। ये जगवार, ओहो माय गॉड, नंबर प्लेट पीली, इतनी महंगी गाड़ियाँ है टैक्सी कोटे में। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये होटल डिप्लोमेट, ये हमारे एक भैया है वो डिप्लोमेट है। वो समझ रहे होंगे, अगर देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे मैंने डिप्लोमेट किसको कहा। क्या आपने होटल भी खोल दिया यहाँ भाई। सामने रात के सामने ताज में बैठे हैं भाई कुछ खाने पीने के लिए। मेन्यू देखो, मेन्यू तो फिर ताज का है,
कॉफी देखनी है, एस्प्रेसो 5 मिनट, कैपेचिनो 500, नहीं मैम कॉफी नहीं पीनी है, कॉफी पी लेना है। कॉफी 500 रुपए की, भेलपूड़ी 950 रुपए की, ये पांच सौ की कॉफी पी रहे हैं। वाह 500 की कॉफी पी के बहुत बोलना ही पड़ेगा। तो हम निकले ताज पैलेस से, और उस ताज पैलेस में 6 से 7 रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनको पहले से बुक करना पड़ता है। तो सारी जगह सीट्स फुल थी और लाउंज खाली था, तो हम लोग लाउंज में गए और लाउंज में जाके हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, एक कॉफ़ी लिया। कॉफ़ी की कीमत 500 रुपये, भेलपूड़ी की कीमत 990 रुपये, लेकिन ठीक था, गौर था। अब हम निकले हैं बाहर, यहाँ से टैक्सी देखता हूँ, टैक्सी मिल जाए मुझे, फिर टैक्सी से आगे का जो भी चलना है जहाँ पे वो देखता हूँ कहाँ चल रहे हैं। तो ताज को बोलते हैं बाय बाय, और ताज महल टावर को भी। एक्चुअली बनाना वहाँ पर बैन था, आप सभी को मालूम है, जो 26/11/2008 को हुआ था, बहुत ही विभत्स था यहाँ के लिए, बहुत तो बैड था। तो उस चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी हो गई है, तो उसी के लिहाज से यहाँ वीडियो बनाने के लिए मना किया था, तो कोई वीडियो अंदर का नहीं बनाया है, बाकी वीडियो प्रोवाइडेड है यहाँ बनाना, बल्कि उस तरह करके वीडियो बनाना भी प्रोवाइडेड है, वो आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ अपने होटल तक। ये मैंने होटल लिया है फोर्ट रोड पर, इट्स लखनवी, ये हमारा होटल है, इसमें मैंने स्टे लिया है। तो आज का व्लॉग अब यहीं करता हूँ एंड, और बहुत थक गया हूँ यार, तो आराम आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रिंक्स, बाय।